डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। रिया अग्रवाल, एक ऐसा नाम जिसने बहादुरी की मिसाल पेश कर दी, एक ऐसा नाम जो साहस का उदाहरण बन गया। रिया ने वह कर दिखाया जो आज की नारी शक्ति से उम्मीद की जाती है, ऐसा कुछ की जिसने भी देखा उसके मुंह से निकल गया, वाह क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यहां हम बात कर रहे हैं यूपी के मोदी नगर स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली रिया अग्रवाल की। रिया के परिजन मूल रूप से मेरठ लाल गुट्टी के मैदानी इलाके के बाशिंदे हैं। रिया 2 दिन पहले अपनी दादी संतोष अग्रवाल से मिलने आई हुई थी। घर से चंद कदम दूर ही उसकी मौजूदगी में दादी को बदमाशों ने अपना निशाना बना दिया। यहाँ रिया ने बहादुरी दिखाते हुए बाइक सवार बदमाशों को नीचे गिरा दिया। बहादुरी की मिसाल बनी रिया ने कुछ इस तरह बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए, देखिए। फर्स्ट बाइट संवाददाता से वार्ता करते हुए रिया अग्रवाल ने ये कहा। क्या नाम है आपका? रिया अग्रवाल। रिया अग्रवाल, क्या हुआ था कल आपके साथ शाम को जो घटना हुई? कल हम शाम, मैं और मेरी दादी जी, हम दोनों मोदी नगर से मेरठ के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में हम बेगम पुल उतर गए थे, तो वहाँ हम पैट में गए। फिर उसके बाद हम जैसे ही आ रहे थे रास्ते में, तो पैट से 2 आदमियों ने हमारा पीछा करा। उसके बाद जब हम इस गली में आए, मैदा मोहल्ला में छोटा बाजार, तो फिर एक 2 बाइक पर थे, तो एक बाइक पर ही रहा और एक उसमें उतर गया। तो फिर जैसे ही वो आया भागकर, उसने कानों के छीन लिए। फिर उसके बाद जैसे ही वो भागने लग गया, तो हमने उसका पीछा करा। जैसे ही पीछा करा, हाथापाई करी, तो उसने एक तो हमारे हाथ में आ गया और एक उसके हाथ में ही रह गया, और फिर वो लेकर भाग गए। उसके बाद शोर मचाया होगा आपने? उसके बाद हमने शोर मचाया, पर यहाँ कोई नहीं आया। फिर कैसे आपने, सब उसके जाने के बाद आए। कैसे आपने उनसे फाइट करी? क्या सोचा था कि लड़ पाओगे उनसे? बिल्कुल। कि काफी देर तक ये चला पूरा घटनाक्रम? हाँ, 5-10 मिनट चलता रहा। आपने खींचा, उसके बाद में क्या लगा फिर आपको पूरा? बस फिर जैसे उसने खींचा ना, फिर उन्होंने, एक बार तो बाइक गिर गई थी, फिर दूसरी बार में वो भागने में कामयाब हो गए। तो क्या मैसेज देना चाहती है? यही कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, सभी लड़कियों का ऐसे स्ट्रांग बनना चाहिए। इस घटना के 6 घंटे बाद ही दोनों बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। आज शाम 5 बजे के लगभग थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत मैदा मोहल्ले में CBZ एक्सट्रीम बाइक पर सवार 2 बदमाशों के द्वारा एक महिला के कुंडल लूटने की घटना कार्य की गई थी। इस घटना के संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना लालकुर्ती पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना प्रभारी लालकुर्ती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों को थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत बुशरे रोड के पास लोकेट किया गया। पुलिस टीम के द्वारा जब बदमाशों की घेराबंदी की गई, तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें घटना में शामिल दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम सचिन और शिव कुमार हैं, जिनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। बदमाशों के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा मात्र 6 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है।
अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा।